काशी भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति की धरोहर है। काशी साधकों की भूमि रही है, काशी ज्ञान की भूमि है। काश्यते इति काशी, जहां पर ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। काशी को ज्ञान की राजधानी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में योग की कल्पना आत्म साक्षात्कार और आत्मा और परमात्मा के मिलन और कैवल्य प्राप्ति के साधन इत्यादि के रूप में की गई है। गंगा के निर्मल और अविरल प्रवाहमान धारा के किनारे बसी काशी भगवान शिव की नगरी के रूप में कई सहस्त्राब्दियों से विश्वविख्यात है। भगवान भोलेनाथ को आदियोगी माना जाता है। भोलेनाथ की कई मुद्राएं योग साधना की प्रतिकृति हैं। भगवान शिव के नटराज का स्वरूप नृत्य योग को प्रदर्शित करता है। योग पर एक शिव संहिता नाम का ग्रंथ भी है, जिसे शिव से जोड़ा जाता है। शिव की एक मूर्ति है जिसको दक्षिणा मूर्ति कहते हैं, और वो दक्षिणा मूर्ति योग मुद्रा ज्ञान मुद्रा में वो अवस्थित हैं, बैठे हुए हैं दक्षिणा मूर्ति भगवान। और उनके लिए कहा जाता है, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। गुरु का जो व्याख्यान है वो मौन व्याख्यान है, क्योंकि वो योगी हैं और योगी ध्यान में रत है, समाधि में है, और समाधि में जो योगी है वो मौन है, मौन ही व्याख्यान देता है। लेकिन वो मौन जो व्याख्यान है वही शिष्यों के सारे संदेहों को दूर कर देता है। ऐसी मान्यता है कि योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि और उनके गुरु पाणिनि कई वर्षों तक काशी में रहे हैं। काशी में उन्हें बड़े गुरु और छोटे गुरु के नाम से जाना जाता है। काशी के जैतपुरा मोहल्ले में स्थित नागकुआं इनका आश्रय स्थल था। अनादिकाल से यहाँ एक कुंड है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने इस कुंड में एक शिवलिंग स्थापित किया था। इस कुंड के नीचे शिव जी का शिवलिंग है, जो कि महर्षि पतंजलि ऋषि जी द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है, और ये अनादिकालों से है। महर्षि पतंजलि ने अपनी कृति योग सूत्र में योग को एक प्रयत्न माना है, जो व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाता है। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग दर्शन में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांग योग मार्ग भी कहते हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि योगो मोक्ष प्रवर्तक, योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, तो उसमें अष्टांग योग एक बहुत ही उत्तम साधन है, जिसे हम राजयोग भी कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ योग है, जो जिसमें 8 अंग हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन सभी जो अंगों हैं, अंगों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल योग में केवल आसन और प्राणायाम कर लें या थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं तो वो एक योग हो गया, ऐसा नहीं। अंतरंग और बहिरंग, ये योग के दो भेद हैं। अष्टांग योग की 5 प्राथमिक क्रियाओं को बहिरंग योग कहा जाता है, और बाद के जो 3 हैं उन्हें अंतरंग योग कहा जाता है। योग की अवधारणा है शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना, मन के दोषों को दूर करना, शरीर के दोषों को दूर करना। इस प्रकार योग की एक समग्र अवधारणा है, जो कि हमारी भारतीय परंपरा में निहित है। पुराणों में भी योग की चर्चा की गई है। अनेक ग्रंथ हैं जो कि योग की चर्चा के बिना पूरे नहीं होते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले तक सारा का सारा जो वांग्मय है, चाहे वो महाभारत है, हाँ, चाहे वो रामायण है, सब में क्रम से योग का जितना विस्तार है वह पूरी तरह से उपस्थापित होता गया, उसके प्रकार उपस्थापित होते गए कि किस प्रकार से योग को, जिस योग में जिन जिन तत्वों को हम लोग जिस जिस रूप में कहते हैं, उनको वहां पर यज्ञ के रूप में लिया गया। योग स्वस्थ, खुशहाल
और शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक प्राचीन ज्ञान है। योग मनुष्य को आंतरिक शांति और आत्मीय ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। योग और योगासन ये एकदम अलग दर्शन है, एक ही का हिस्सा है, योग का ही हिस्सा है, मगर वो योगासन सामान्य जनों के लिए है, योग साधक के लिए है या साधना के प्रयास करने वाले के लिए है। योग केवल सनातन परंपरा का ही अंग नहीं है, अपितु योग को बौद्ध परंपरा से भी जोड़ा गया है, योग को जैन परंपरा से भी जोड़ा गया है। हमारी सनातन परंपरा में देवी भागवत का एक श्लोक है, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत। तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्रणव जो है वो धनुष है और आत्मा जो है वो तीर है और उसका लक्ष्य जो है ब्रह्म है, अप्रमाद पूर्वक उसको वेधन करना है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर योग का जो चरम लक्ष्य है उस चरम लक्ष्य को बताया गया है। बौद्ध धर्म में एक मजबूत योग परंपरा है जिसे सदियों से निर्बाध रूप से रखा गया है और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अभ्यास किया गया है। बुद्ध स्वयं एक महान योगी थे। बौद्ध धर्म का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ। बौद्ध धर्म में साधना विधि का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। विपस्यना जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षा समागम है, वो तो योग पर ही आधारित है और योग क्रिया के ही जो है चरम परिणत को व्यक्त कर रहा है, जो कि विपस्यना का जगह जगह पर अनेक केंद्र स्थापित हुए हैं जिन पर बौद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण प्रभाव है। बौद्ध धर्म के अनुसार समाधि से चित्त एकाग्र हो जाने पर प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। योग में भी कहा गया है कि समाधि में सिद्ध होने से योगियों को अलौकिक ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश काशी के सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। ये स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है। योग में प्राणायाम, आसन और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और श्वास को एक सामंजस्य बनाए रखता है, उसको योग कहते हैं। और बोधों के जो योग या ध्यान या समाधि कहे, भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से जो भगवान बुद्ध की जितने भी उपदेश हैं वो सब जो है तीन शिक्षाओं में समाहित होता है, शील, समाधि, प्रज्ञा। इतिहास से पता चलता है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हठ योग, शारीरिक अभ्यास और राजयोग का एक संयोजन था। योग और बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक जड़ एक ही है। भगवान बुद्ध का काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कपिलवस्तु से बोधगया आकर उन्होंने काफ़ी लंबी समय तक योग साधना की। उनका ध्यान योग उन्हें बुद्धत्व को प्राप्त कराया। तत्पश्चात उनकी जितनी भी मूर्तियां मिली हर जगह जहां वो बैठे हुए दिखाए गए हैं, पद्मासन में दिखाए गए हैं, उनके हाथों के जितने भी योगिक मुद्राएँ हैं, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो, चाहे वो भरत मुद्रा हो, चाहे वो अभय मुद्रा हो, इस प्रकार जितनी भी मुद्राएं हैं सब योग शास्त्र की मुद्राएं हैं। भारतीय योग में जैन योग का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन योग की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं। पूरे देश में तीर्थंकरों की जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं वो सब योग मुद्रा में ही मिलती हैं और योग मुद्रा वाली ही पूजनीय है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 4 की जन्मभूमि काशी ही है।
जैन धर्म में यूं तो सभी तीर्थंकरों का आदर और सम्मान है, लेकिन 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का विशेष स्थान है। भगवान पार्श्वनाथ का भव्य मंदिर भेलूपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मान स्तंभ भी है। इस स्थान को शास्त्रानुसार चार कल्याणक की भूमि माना गया है। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का मंदिर पवित्र गंगा के तट पर जैन घाट स्थित दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में स्थापित है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर वाराणसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंद्रावती गांव में स्थापित है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का मंदिर सारंगनाथ क्षेत्र में बना हुआ है। जैन योग बहुत प्राचीन है और सभी तीर्थंकरों ने इसी योग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा ही मोक्ष पद को, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, वो पद प्राप्त किया है। ये कहा गया है कि जैन धर्म में कि जो मोक्ष की सिद्धि होती है तो वो होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः। इससे मगर इसको हम ये भी कह सकते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योग मार्गः, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो भक्ति योग है, जो श्रद्धा का योग है, और ज्ञान दूसरे जो है सम्यक दर्शन को हम ज्ञान मार्ग कह सकते हैं, और सम्यक चारित्र को हम इसका कर्म योग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें योग की सिद्धि होती है और इसका बहुत प्राचीन समृद्ध परंपरा है। भागवत गीता में भी इसका उल्लेख है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात योग से व्यक्ति के कर्मों में कुशलता आती है। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन योग मुख्य हैं, जिसका वास्ता मनुष्य से अधिक होता है। महाभारत में योग की चर्चा के बाद फिर ये विलुप्त सा हो गया था, लेकिन राजऋषियों और महर्षियों ने इसे पुनः शुरू किया। भगवान हिरण्यगर्भ योग शास्त्र के सबसे प्राचीन प्रवक्ता है। तदुपरांत वह योग विद्या क्रमशः, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग विद्या मेरे द्वारा सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में यह प्रतिष्ठित हुई, कालांतर में यह योग विद्या जो नष्ट हो गई थी, नष्ट का अर्थ जो अदृष्ट हो गई थी, उसको पुनः राजर्षियों ने, महर्षियों ने अपनी मेधा प्रज्ञा से जो है अभिव्यक्त किया। समय के प्रवाह के साथ साथ काशी में 19वीं से 20वीं सदी के बीच कई योगाचार्य हुए, जिसमें विशुद्धानंद परमहंस, जिनका आश्रम वाराणसी के मलदहिया क्षेत्र स्थित है, काशी के जंगमबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले श्यामाचरण लहरी, जिन्होंने सभी धर्मों में योग के महत्व को समझाया। कोरोना काल से पहले काशी के 80 घाट पर सुबह बनारस के मंच से नियमित योग अभ्यास का आयोजन होता रहा है। 80 घाट पर सुबह बनारस संस्था द्वारा आयोजित भोर की दिव्य आरती के पश्चात यहाँ हर आयु वर्ग के सैकड़ों लोग योग के माध्यम से अपना जीवन बेहतर बनाने का सार्थक प्रयास करते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी लोग भी योग का लाभ लेते रहे हैं। यहाँ योग गुरु लोगों को योग के विभिन्न आसनों के बारे में बताते हैं और उपस्थित लोगों को इसका अभ्यास भी कराते हैं। वाराणसी के नदेसर स्थित नेहरू पार्क में योग प्रशिक्षक लोगों को योग का अभ्यास कराते हैं। वो लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का तरीका बताते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लोगों को मुफ्त में योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ योगा अभ्यास करने वाले लोग कई बीमारियों से छुटकारा भी पा चुके हैं। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जो मैं ये योगा करने से मेरा बहुत सही हो गया, और 80 केजी मेरा वेट था और अभी मैं 65 केजी की हो गई हूँ।
तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। काफ़ी लोग हम लोग आते हैं, बहुत अच्छे से हमारे गुरुजी कराते हैं। पिछले 3 साल से मैं योग कर रहा हूँ। मेरा वजन 1 क्विंटल 18 किलो था, अर्थात 118 किलो वजन था। आज के डेट में मेरा वजन 107 किलो है। वजन घटा जिससे मुझे प्रॉब्लम होती थी घुटने और कमर में। मैं कहीं बैठता था तो उठने के लिए सोचना पड़ता था, पर आज योग के माध्यम से मेरे घुटने का और कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। नेहरू पार्क में योगाभ्यास के दौरान गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग जुटते हैं और योग के माध्यम से अपनी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तमाम यहाँ पेशेंट आते हैं, पूछते हैं, मैं यहाँ पे फ्री क्लास लेता हूँ, किसी का सर्वाइकल बढ़ा हुआ है, सर्वाइकल के 2 से 3 दिन के अंदर आराम मिल जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर सर्वाइकल का गर्दन का कॉलर हटा देता हूँ। तो जो भी कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सर्वाइकल है, ये सब, आंखों में प्रॉब्लम किसी को है, आंखों की बीमारी अनुलोम विलोम से, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम कराने से ठीक हो जाता है। कोई घुटने का प्रॉब्लम लेके आता है, घुटने का जो सूक्ष्म व्यायाम कराता हूँ, घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। कोरोना के भय से या अपनी निजता की वजह से कुछ लोग खुली जगहों पर जाकर समूह में योगाभ्यास नहीं कर पाते, तो वाराणसी में ऐसे लोगों के लिए कई योग केंद्र भी चलते हैं। कोविड से बचाव के लिए योग का अभ्यास बहुत ही कारगर रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जिनका लंग्स यानी फेफड़ा कमजोर है उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। योग में ऐसी विधाएं हैं जिनसे लंग्स यानी फेफड़े को मजबूत किया जा सकता है। योग में ही ऐसी विधा है जिससे आप अपने लंग्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। साथ में कुछ प्राणायाम और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठने के साथ, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। चक्रासन है, शीर्षासन है, सेतुबंध आसन है, नौकासन है, ये सिर्फ 2-2 मिनट या 1-1 मिनट की प्रैक्टिस करके आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर आ जाती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यौगिक विज्ञान से डिप्लोमा कर रही एक छात्रा विगत 2 वर्षों से वाराणसी में गोवर्धन धाम मॉर्निंग टीम के लोगों को एक समूह में प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास कराती है। युवा, बुजुर्ग, सभी आयु वर्ग के लोग इनके दिशा निर्देशन में नियमित योगाभ्यास करते हैं। गोवर्धन धाम मॉर्निंग टीम के लोगों का मानना है कि इस नियमित योगाभ्यास की वजह से इससे जुड़े सभी लोग कोरोना की दूसरी लहर में बिल्कुल सुरक्षित रहे, किसी को भी कोरोना जैसी भयानक बीमारी छू नहीं पाई। योगा करने से सबसे बड़ी बेनिफिट तो यह है कि हमारा न तो परिवार न तो हमारे करने लगा है और पेट की बीमारी भी दूर हो गई है। पहले हम लोग चलते फिरते थे तो घुटना में जैसे कसा था, चल नहीं पाते थे, घुटना उस तरह से कार्य नहीं करता था, घुटना एकदम फ्री की तरह हो गया, पेट कड़ा बना रहता था, वो एकदम मुलायम हो गया, नॉर्मली हो गया, ये हम लोगों को फायदा हुआ। और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी काफी हम लोगों को महसूस हो रहा है। योग प्रशिक्षक छात्रा ने योग से काफी लोगों को त्वरित फायदा पहुंचाया है। कुछ लोग जिनकी बीमारी गंभीर है उसे भी ये योग से ठीक करने का प्रयास कर रही है। पहले सारे बुजुर्ग आते थे, आदमी लोग आते थे, उन लोगों को कराती थी, फिर अब यहाँ पे लेडीज आती है, उनकी जो वाइफ है वो लोग भी आती है। स्टार्टिंग में जब वो लोग आई थी तो मतलब हैवी वेट से बहुत परेशान थी, नीज की प्रॉब्लम उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, घुटनों में ज़्यादा दर्द होता था और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में दर्द होता था, बैक पेन था, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे जब से उन लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी हैं, बट कुछ प्रॉब्लम थी जो कि अभी भी मेजर थी तो वो अभी भी हैं। बट आई होप कि मेरे प्रैक्टिस से और उनके लगन से, दोनों से हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी ना रहे, आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में चलने वाले योग साधना केंद्र के योग गुरु का मानना है कि योगाभ्यास से बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि से भी छुटकारा पाया जा सकता है। योग में प्राणायाम का बहुत महत्व है, यदि इसको सही ढंग से किया जाए तो कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि हठयोग शास्त्र कहता है, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। यदि हम
श्वास का ठीक से अभ्यास करें, प्राणायाम को ठीक प्रकार से करें, गुरुपदिष्ट मार्ग से करें, सही गाइडेंस में करें, तो सब रोगों से मुक्ति मिलती है। योगाभ्यास में एक जल नेति क्रिया होती है, ये साइनस के लिए बहुत लाभदायक है। इसके नियमित अभ्यास से सर्दी जुकाम से बचा जा सकता है। भारतीय योग ने विश्व क्षितिज पर एक नई छलांग लगाई है, इसमें भी काशी का बहुमूल्य योगदान है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिनांक 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में योग की चर्चा की। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ पारित कर दिया गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया। प्रधानमंत्री के प्रयासों का परिणाम है कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र योग का केंद्र बन चुका है। शहर के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक काशीवासी जुड़कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।